वंदे मातरम नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में दोस्तों मैं विवेक चौधरी और आज किस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी का एक नया चैप्टर वर्णमाला वाला और बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से हम जीरो से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना हिंदी का सिलेबस तो दोस्तों बिल्कुल जीरो से हम पढ़ेंगे और एक चैप्टर की क्लास आपको एक ही मिलेगी ऐसा नहीं है कि हम एक चैप्टर की तीन चार क्लास कराएं बड़ी हो सकती है लेंदी क्लास हो सकती है लेकिन पूरे चैप्टर की आपको एक क्लास होगी जिससे कि आपको ढूंढने में इसको सर्च करने में परेशानी ना हो तो इसकी मैं प्ले भी बना दूंगा मास्टर क्लास की रीजनिंग में भी मास्टर क्लास चल रही है और हिंदी में भी मास्टर क्लास आपकी चल रही है तो दोनों की प्ले लिस्ट में बना दूंगा तो सभी को देखने में इजी हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम वर्णमाला हिंदी का ही चैप्टर वर्णमाला होता है और सबसे पहला ये चैप्टर है बिल्कुल अगर आपको वर्णमाला चैप्टर से जानकारी है नॉलेज है तो आपका आगे जो पढ़ना है वो इजी हो जाएगा जैसे और भी चैप्टर होंगे वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे तो बिल्कुल जीरो से हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल जीरो से और धीरे धीरे सभी बातों को समझते हुए हम आगे चलेंगे तो चलिए दोस्तों कमेंट वगैरह नहीं करनी है ध्यान से वीडियो को देखना है क्लास को देखना है क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और जो नए स्टूडेंट हैं वो शेयर वगैरह भी कर दें साथ ही साथ ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो वर्णमाला है वो क्या होती है वर्णमाला जैसे आपके सामने प्रश्न आएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है उसी को क्या कहते हैं वर्णमाला तो मैं सारी चीजें लिखवाते हुए चलूंगा तो वर्णमाला क्या होता है वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णों का व्यवस्थित क्रम इसी को क्या कहते हैं इसी को कहते हैं वाला बस सबसे पहला ही प्रश्न आपका बनेगा और यूपी पुलिस में हर बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं तो आपको ध्यान में रखना है वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है वर्णमाला कहलाता है अब उसके बाद प्रश्न बनता है कि जो भाषा है हिंदी भाषा है वो कहां से आई भाषा तो आपको ध्यान रखना है जो भाषा है भाषा यह एक भाष धातु से बनी है भाष और भास धातु को ही हम क्या कहते हैं बोलना क्या कहते हैं बोलना ठीक है तो ये भाष धातु से मिलकर के क्या बनी है भाषा इसके बाद आपके सामने प्रश्न आएगा कि भाषा का निर्माण कहां से हुआ कैसे इसका जो स्टार्टिंग था वो कैसे हुआ तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों जब इंसान पुराने समय में प्राचीन काल में जब बोलते थे बोलना उन्होंने प्रारंभ किया तो हर बोलने के अलग अलग वर्ण को उन्होंने क्या किया एक अलग अलग संकेत से या प्रतीक से उसको पहचानना शुरू कर दिया जैसे किसी जानवर को देखें किसी और हम प्राणी को देखें जो बोलते हैं जैसे हम मनुष्य की बात करें आदि मानव है या कोई भी जैसे बोलना शुरू करेगा तो वो क्या इस उसने बोला था, इस सिंबल देना स्टार्ट कर दिया तो मनुष्य ने सबसे पहले क्या था एक ध्वनि का निर्माण हुआ सबसे पहली ही स्टार्टिंग जो हुआ वो किससे हुआ ध्वनि से मनुष्य के मुंह से वही ध्वनि निकली और ध्वनि को निकलने के बाद जिस चीज का निर्माण हुआ वो क्या था संकेत तो सबसे पहले देखो ध्वनि निकली थी और ध्वनि से ही क्या हुआ उस ध्वनि से ही मनुष्य ने क्या बनाया प्रतीक बनाए प्रतीक या फिर संकेत बनाए या फिर हम कह सकते हैं संकेत का निर्माण किया या चिन्हों का निर्माण किया ठीक है यह बात आपकी बात समझ में आई और इसीलिए आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए आपसे कहा जाएगा बताइए वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं तो आपको ध्यान में रखना है या भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछी जाएगी बताइए किसे कहते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि या फिर ध्वनि ना देकर के दूसरा आपको दे रखा होगा वर्ण तो ध्यान में रखना है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसी को वर्ण या ध्वनि कहते हैं क्लियर है क्योंकि ध्वनि सबसे पहले उत्पन्न हुई उसी से प्रतीक बनाए संकेत बनाए और वर्णों का निर्माण हुआ तो वर्ण या ध्वनि सबसे छोटा रूप है किसका भाषा का ध्यान रखना आगे से कभी एग्जाम में आएगा कि भाषा का सबसे छोटा रूप कैसे क्या है तो सबसे छोटी इकाई क्या है तो ध्वनि या वर्ण है बात यहां तक क्लियर हुई तो हम आगे बढ़ते हैं तो आप ध्यान में रखना इसको मैं लिख देता हूं कि भाषा का सबसे छोटा सबसे छोटी इकाई भाषा की भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई वर्ण या ध्वनि बात समझ में आ गई अब आगे आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के वर्ण होते हैं वर्ण तो हम यहां पर वर्ण से स्टार्ट कर रहे हैं देखो वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों आपने दो प्रकार के देखे होंगे एक एक तो स्वर व्यंजन भाई सारे सारे वर्ण होते हैं ना अभी हम बात करेंगे धीरे धीरे चलते रहेंगे आगे लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों वर्ण वैसे मुख्य रूप से आपने देखे होंगे दो प्रकार के होते हैं एक स्वर एक होते हैं स्वर एक होते हैं व्यंजन चलो इतना तो सभी को पता है सभी जानते हैं एक प्रकार के वर्ण और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अयोग वाह क्या कहते हैं अयोग वाह ये तीन प्रकार के वर्ण होते हैं क्लियर है स्वर व्यंजन और अयोगवाह बात यहां तक क्लियर हुई अब स्वर कौन से होते हैं अयोग कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं एक एक करके इन तीनों को हम पढ़ेंगे आगे ठीक है उससे पहले हम बात करते हैं वर्णों की वर्णों की ठीक है तो वर्ण में हम जो देखें पहचानने का तरीका क्या होता है वर्णों को पहचानने का तरीका यह होता है जैसे वर्ण आपके सामने मैंने दे दिया वर्णों को कैसे पहचानेंगे तो वर्ण में होते हैं एक स्वर एक होते हैं व्यंजन इन दोनों में डिफरेंस क्या है अंतर क्या है स्वर में और व्यंजन में इन दोनों में डिफरेंस यह है दोस्तों जिसे बोलने में स्वतंत्र रूप से आजादी रहती है जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जाए वो क्या रहेगा स्वर रहेगा या जिसे बिना किसी की सहायता से बोला जाए बिना सहायता बोला जाए वो क्या होगा स्वर होगा उसी का अपोजिट अगर टकराकर बोला जाए कोई भी वर्ण टकराकर बोला जाए वो क्या होगा व्यंजन होगा या फिर आपसे कहा जाए स्वरों की सहायता से बोला जाए स्वरों की सहायता से बोला जाए तो क्या होगा व्यंजन होगा इतनी बात समझ में आई आपको अब क्वेश्चन यह आता है कि वर्ण से ही एक तो वर्ण आपने देखा एक स्वर होते हैं एक व्यंजन होते हैं अयोगवाह की बात बाद में करेंगे अयोगवाह याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है बस दो दो ही वर्ण ऐसे हैं जो अयोगवाह है आसानी से याद रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल वर्णों की बात करें करते हैं हम स्वर और व्यंजन अब प्रश्न यह उठता है कि जो वर्ण है वो कितने होते हैं वर्ण कितने होते हैं तो इन्हें याद करने का तो भाई कोई दिक्कत नहीं है ये तो जब आप दूसरी तीसरी क्लास में होंगे तो आपको पता होगा वर्णों की संख्या कितनी होती है लेकिन छोटा सा एक ट्रिक मैं बताता हूं कि अगर मैं कहूं अंग्रेजी वर्ण वाला में या अंग्रेजी जो आपके लेटर होते हैं वो कितने होते हैं ट्वेंटी होते हैं छब्बीस होते हैं छब्बीस का दो गुना कर दो आप छब्बीस दूनी बावन तो यहां पर कितने होते हैं बावन होती है संख्या तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वर्णों की संख्या कितनी होती है तो 52 होती है ध्यान रखना इस चीज का अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं स्वरों के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे स्वर इतनी बात क्लियर हुई तो इसको आप स्क्रीन लें और आगे बढ़ते हैं इसकी पीडीएफ आपको दोस्तों वो मिल जाएगी हमारे कंपिटिशन गुरु टेलीग्राम पर कंपटीशन गुरु वन करके टेलीग्राम है वहां से जाकर के डाउनलोड कर लेना रीजनिंग के जो भी क्लास होंगी मास्टर क्लास हो या अदर कोई भी क्लास हो उनकी पीडीएफ क्लास नोट्स के साथ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको वहां मिल जाएंगे ऐसे ही जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके क्लास नोट्स साथ ही साथ आपको इसके कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं स्वरों से स्टार्ट करते हैं स्वर अभी हम स्वर पढ़ेंगे फिर व्यंजन पढ़ेंगे अयोग पढ़ेंगे तीनों को पढ़ेंगे ठीक है पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ क्लास को देखना और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना देखो फर्स्ट टाइम मैंने ये हिंदी की शुरुआत की है वैसे मैंने एक दो बार और पढ़ा दिया है हिंदी का लेकिन हिंदी को मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं ये समझ लीजिए आप तो थोड़ी बहुत अगर कोई मिस्टेक होती है हल्की पुल्की कोई आपको लगती है कि दिक्कत है कुछ पढ़ाने में या एक्सप्लेन करने में देखो पढ़ाने में कोई मिस्टेक तो नहीं होगी कि मैं आपको बता दूं कि वर्णों की संख्या बावन इक्यावन होती है या कुछ और बता दूं कंटेंट गलत प्रोवाइड नहीं करूंगा बहुत छानबीन करके बहुत मतलब दिन रात मेहनत करके ये चीज बनाई जा रही है कोशिश करके हम तैयार करके आपको पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं है गलत पढ़ाएंगे लेकिन थोड़ी सी जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम कोई व्यक्ति किसी अलग चैप्टर को या अलग अलग किसी सब्जेक्ट को पढ़ाता है तो थोड़ा सा उसे क्या रहता है एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है तो अगर आप पेशेंस के साथ रखेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं होगी बाकी आप कमेंट करके बताएं कि इतनी बात समझ में आई फिर आगे चलें बिल्कुल पेशेंस के साथ देखें इस इस चैप्टर के बाद आप क्वेश्चंस लगा के देखना अगर एक भी क्वेश्चन आपका छूट जाए तो कमेंट कर देना या फिर आप मैसेज कर देना टेलीग्राम पर इसको मिटा देता हूं अब पढ़ेंगे हम वर्ण वर्ण हमने पढ़े और वर्ण में हमने देखा स्वर व्यंजन अयोगवाह ये तीन वर्ण होते हैं और मुख्य रूप से आपसे पूछा जाए कि वर्णों की संख्या या कितने प्रकार के वर्ण होते हैं वर्णों की संख्या होती है बावन और कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं वर्ण और स्वर ये वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन ठीक है चलिए तो हम स्वरों को सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर स्वर कितने प्रकार के होते हैं स्वर क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब कुछ हम देखेंगे ठीक है चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए आप स्वर स्वर और स्वर कितने होते हैं ये बाद में बात करेंगे पहले स्वरों को हम लिख लेते हैं कौन कौन से अ आ, आ, ओ, ऋषि, ए ए, ओ, ओ, और होते हैं अंग, अंग ये होते हैं सभी अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं अब इनको काउंट करो सर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं इन में यही दिक्कत करते हैं कि वहां पूछा गया आपसे क्वेश्चन आया कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आपने क्या बताया हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आपने तुरंत बोला सर तेरा होती है क्योंकि हमें ये सभी याद है बचपन में याद कराए थे लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है स्वरों की संख्या तेरह नहीं होती है कितनी होती है ग्यारह कितनी होती है ग्यारह क्यों होती है ग्यारह क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं अयोगवाह ध्यान रखना दोनों क्या होते हैं अयोगवाह योग वाह ध्यान रखना आप देखो आपको दोनों के दोनों मिल गए अयोग व्यान कौन कौन, कौन कौन से हैं तो छोटी अंग और बड़ी अंग इसको बोलते हैं अयोग वाह क्लियर है बात यहां तक समझ में आई तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह जो होते हैं ग्यारह स्वर होते हैं तो क्वेश्चन आएगा स्वरों की संख्या कितनी होती है ग्यारह होती है क्लियर है बात समझ में आ गई चलिए उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इसी के बाद स्वर में हम देखते हैं मात्रा कितनी होती है मात्रा स्वरों में नहीं आपसे पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी होती है या मात्राएं हिंदी में मात्राएं कितनी होती हैं तो मैं मात्रा की बात करता हूं फिर हम आगे देखेंगे पहले मैं मात्रा लिखवा देता हूं यहां पर यहां तक क्लियर शो हो रहा होगा मुझे लगता है मात्रा तो ध्यान रखना एक आपका सिर्फ आ को छोड़ करके छोटा आ को छोड़ करके जितने भी स्वर हैं वो सभी मात्राएं हैं जैसे मैं आपसे कहूं एक लिखा हुआ यहां पे का का लिखा हुआ है का, का पर मैं कितनी तरह की मात्रा लगा सकता हूं यह तो का है इस पर कोई मात्रा अब नहीं है ठीक तो अ का इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन जैसे बड़ा आ की तरफ चलेंगे तो का छोटी ई की तरफ चलेंगे की बड़ी ई की तरफ चलेंगे तो की छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इस तरीके से लगेगी बड़े ऊ की लगाएंगे तो यह लग जाएगी ऋषि की लगाएंगे तो क्र इस तरीके से लग जाएगी ठीक है आपने देखी होगी और ए की लगाएंगे तो वो किस तरीके से लगेगी के और क्योंकि इस पे आप ध्यान रखना एक मात्रा होती है इस बात का ध्यान रखना आगे चल के बताऊंगा वैसे अभी समझ लो और अगर मैं के इस तरीके से बनाऊंगा तो ये वाली मात्रा लगेगी इस पे दो मात्राएं होती हैं दो टंगने वाली मात्राएं होती हैं फिर आएगा ये जिसमें के की मात्रा इस तरीके से लगेगी ये बन जाएगा को और यहां पर आगे चलेंगे तो को की मात्रा इस तरीके से लग जाएगी तो मात्राएं गिनो आप कितनी हो गई भाई एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तो टोटल मात्राएं कितनी होती हैं मात्राओं की संख्याएं है होती हैं दस ध्यान रखना इस चीज का हमेशा अब कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी होती है तो मात्राएं है होती हैं दस बात समझ में आई यहां तक चलिए आगे देखते हैं इतनी बात समझ में आई तो हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक की और छोटा सा टॉपिक क्या है आपसे कहा जाए कि एक आपके सामने शब्द दे दिया राम और इस राम शब्द में आपसे पूछा गया बताइए अक्षर कितने हैं अक्षर कितने हैं और वर्ण कितने हैं तो सबसे पहले आप बताएंगे अक्षर कितने हैं वर्ण कैसे हैं कैसे आप काउंट करेंगे इसमें तो एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है आपको इतना तो पता है वर्ण जो होते हैं वो क्या होता है सबसे छोटी इकाई होती है तो इनकी संख्या ज्यादा होगी ऑब्वियसली याद रहेगा आपको अक्षर क्या होता है ये दोनों बात मैं आपको लिखवाई देता हूं कि जैसे मैं राम है मेरे सामने लिखा हुआ है राम तो कोई भी मोस्टली कोई भी व्यंजन जो होगा व्यंजन उस व्यंजन के अंदर एक स्वर जरूर छिपा रहता है कौन सा अ जैसे मैं कहूं र तो ये र अपने आप में पूरा है लेकिन इसके साथ एक स्वर मिला हुआ है कैसे ये आधा र प्लस अ इससे मिलकर के क्या बना है र जैसे मैं कहूं म तो म जो है अब है एक पूर्ण रूप से नहीं है लेकिन इस माँ को हम लगाते हैं जब ये बनाते हैं तो ये किस किस से मिलकर के बनता है म प्लस आ से मिलकर के बनता है ये म ठीक है तो जितने भी व्यंजन होते हैं वो सभी किससे मिलकर के बनते हैं स्वर से मिलकर के बनते हैं और स्वर कौन सा होता है छोटा अ ठीक है और कोई सा भी स्वर हो सकता है जब उसमें मात्रा लगा दी जाएंगे तो वो कोई और भी स्वर हो सकता है अब चलिए मैं इसको मिटा करके बता देता हूं कि इसको आप कैसे पहचानेंगे कि कितने स्वर हैं और कितने आ, कितने अक्षर हैं और कितने वर्ण हैं दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ण पे कोई बड़ी मात्रा लग रही हो छोटी मात्रा लग रही हो उसको एक ही अक्षर हम काउंट करेंगे ठीक है किसी भी अक्षर पर एक मात्रा हो दो मात्रा हो छोटी मात्रा हो बड़ी मात्रा हो उसको एक ही काउंट करेंगे जैसे राम लिखा हुआ है तो रा और मैं ये दो कितने हो गए दो क्या हो गए अक्षर अक्षरों की संख्या क्या हो गई अक्षरों की संख्या हो गई दो सर ठीक बात आती है सर राम में वर्ण कितने होंगे तो र किससे मिलकर के बना है आधा र प्लस 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 तो देखो आप रह, आ, म, ठीक है एक दो तीन चार तो वर्ण कितने हो गए चार जैसे मैं अपना नाम लिखूं विवेक उसमें आप बताएंगे कितने स्वर हैं सॉरी uh, कितने वर्ण हैं कितने अक्षर हैं जैसे लिखा हुआ है विवेक आप बताएंगे मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें अक्षर की संख्या कितनी है कितने अक्षर हैं और कितने इसमें वर्ण हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ कि विवेक लिखा हुआ है उसमें कितने आपके वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं जल्दी से बताएंगे सभी फास्ट चलिए बहुत बढ़िया काफी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर चलो देख लेते हैं तो दोस्त मैंने आपको क्या बताया है कि एक अक्षर में कितनी भी मात्राएं हो उसे एक ही काउंट करेंगे तो यहां से वी एक हो गया वे दो हो गया तीन हो गया एक दो तीन तो अक्षर कितने हैं इसमें तीन है और जिन्होंने भी तीन बनाया है वो सभी ठीक है उसके बाद मैं बात करता हूं जो वी है वो किससे मिलकर के बना है व प्लस छोटी ई से मिलकर के बना है उसके बाद वे व प्लस ए से मिलकर के बना है और क प्लस अ से मिलकर के बना है तो देखो कितने हैं एक दो तीन चार पांच छह इसमें वर्णों की संख्या कितनी हो गई छह इस तरीके से आपको काउंट करने हैं तो इसकी एक बार आप डेफिनेशन लिख लें कि अक्षर में अक्षर जो होता है वो एक अक्षर पर कितनी भी मात्रा लगी हो वो एक ही काउंट होगा और वर्ण के साथ क्या होता है वर्ण के साथ एक वर्ण में क्या होता है आपको जो भी आपके व्यंजन होंगे उसके साथ स्वर मिला होता है वो काउंट करना होता है इसकी बात हम बाद में आगे चल के भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है एक छोटी सी बात और लिखिए आपसे पिछले एग्जाम में पूछा गया था यूपीएसआई में जब 2016 की भर्ती थी उसमें पूछा गया था कि र के कितने प्रकार होते हैं र के प्रकार यानी कितने तरह के र होता है आप आपने किसी ने बताया था सर तीन तरह का होता है किसी ने बताया था एक तरह का होता है किसी ने बताया था चार तरह का होता है तो इसका सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चार प्रकार के र होते हैं रा कितने प्रकार के होते हैं चार प्रकार के अब वो चारों बना करके दिखाएं सर हमें नहीं पता चारों कौन कौन से हैं चलिए मैं बता देता हूं आपको एक र तो यही होता है सिंपल एक र तो ये हो गया आपका सिंपल ठीक एक र होता है इस तरीके से जब ऊपर की तरफ लगता है जैसे आशीर्वाद आशीर्वाद लिखा होता है उसमें र जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है दूसरा र हो गया तीसरा रो आप तीसरा रा आपने देखा होगा जैसे जैसे लिखा होता है गोल वाले जितने भी होंगे ट्रक ड्रम उनमें जो र होता है वो इस तरीके से होता है इस तरीके से जैसे लिख दिया जाए ट्रक तो इसमें दो इस तरीके से घुंडियां लगी होती हैं ध्यान रखना जैसे ड्रम आपसे बोलिए ड्रम तो ये लगेगा और एक होता है जो सीधे सीधे अक्षरों पर लगता है सीधे वर्णों पर लगता है वो लगता है इस तरीके से जैसे प्र प्रदेश लिखा रहता है प्र ठीक है कृतिम लिखा होता है कृतिम कृतिम ओके चलो इस तरीके से होता है तो आपको ध्यान रखना है आपसे पूछा जाएगा र कितने प्रकार के होता है चार प्रकार के होते हैं ठीक चलो स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे काफ़ी बातें हैं वो करनी है और चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए बड़े ध्यान से देखना क्लास को कोई मिस्टेक हो तो साथ के साथ बता देना सर कि सर ये आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है ये चेंज करो कमेंट करके बताते रहना भाई ठीक है कोई परेशानी हो कुछ समझ में ना आए तुरंत पूछ लेना और जितनी भी क्लासेस कराऊंगा ना मैं सभी आपके यूपी पुलिस और यूपीएसआई राजस्थान पटवारी इन सभी के लिए सिफिशियंट रहेगी क्लासेस और भी आपके एग्जाम कोई भी हो जिसमें हिंदी आती है इससे बाहर आपकी हिंदी नहीं आएगी ध्यान रखना अब बात करते हैं हम मूल स्वरों की मूल स्वर कितने होते हैं एक बार फिर से हमें स्वर लिखने पड़ेंगे गलती से हमने स्वर भी मिटा दिए अ ओ ऋषि ए ए ओ ओ ठीक है ये सभी क्या है स्वर हैं कितनी संख्या ग्यारह है उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसमें कि बताइए मूल स्वर कितने हैं मूल स्वरों की संख्या मूल स्वर कौन कौन से हैं मूल स्वर बताएं भाई मूल स्वर कौन कौन से हैं कैसे बताओगे तो सर मूल स्वर जो होते हैं वो सभी कौन कौन से होते हैं मैं दूसरा मार्कर इस्तेमाल करता हूं तो एक तो आपका हो गया अ एक हो गया ई एक हो गया ऊ एक हो गया ऋषि ये चारों जो होते हैं वो क्या होते हैं मूल स्वर होते हैं वो क्या होते हैं मूल स्वर होते हैं मूल स्वरों को हम यहां लिख देते हैं अ ई ऋषि और इसको हम जानते हैं अयूर ठीक है ए से अ से उ आर ए से ऋषि ई से ई यूर इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं दूसरी बात आपके सामने आएगा कि बताइए संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है संयुक्त स्वर और संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं वो भी बात कर लेते हैं संयुक्त स्वर संयुक्त स्वर होते हैं जो दूसरे से मिलकर के बन बनते हैं संयुक्त स्वर अभी बात हम स्वर की कर रहे हैं ये ध्यान रखना कभी व्यंजन में चले जाओ आप भावनाओं में नहीं खोना भाई संयुक्त स्वरों की संख्या भी कितनी होती है चार होती है मूल स्वर भी चार होते हैं और संयुक्त स्वर भी चार होते हैं और संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं चार वो मैं बता देता हूं आपको ए ए ओ, ओ। सभी क्या है संयुक्त स्वर है संयुक्त क्यों है आपने कहा सर ये आपने बनाए ए ये वाला ए ए ओ, ओ। ये आपने चारों के चारों संयुक्त स्वर क्यों बनाए तो ये किससे मिलकर के बने सर हमें बताओ ना किससे मिलकर के बने है? तो मेरे भाई चलो मैं बता देता हूं कि जो ए है वो छोटे आ से या बड़े आ के साथ जुड़ा रहता है ई या बड़ी ई तब आपका निर्माण होता है इस ए का ठीक उसी के साथ अगर छोटा आ मिल जाए या बड़ा आ उसके साथ मिल जाए ए या ए तब निर्माण होता है इस ए का बड़ी ए का ठीक अगर मैं बात करूं ओ की तो छोटे आ के साथ या तो ई मिल आ, या तो ऊ मिल जाए या बड़े आ के साथ बड़ा ऊ मिल जाए तो निर्माण होता है ओ का ऐसे अगर छोटे आ के साथ मिल जाए ओ, ठीक है या फिर बड़े आ के साथ मिल जाए बड़ा ओ तो निर्माण किसका होता है बड़े ओ का तो ये संयुक्त तो स्वर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये दो से मिलकर बनते हैं दो से मिलकर बनते हैं दो से मिलकर बनते हैं ध्यान रखना इस चीज़ का आगे चल करके जब हम संधि पढ़ेंगे तो इनका बड़ा रोल होगा तो थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को पढ़ लें ए जो होता है वो छोटा आ या बड़ा आ छोटी ई से मिलकर के बनता है छोटी ई बड़ी ई से या तो छोटा आ और ई होगी या बड़ा आ और बड़ी ई होगी इस तरीके से पे छोटा छोटा आ आ या या ए ए ए होगा बड़ा आ या ए हो, बड़ा ए होगा बड़ा बड़ा ठीक है है बात यहां तक क्लियर है? सब कुछ समझ आ रहा है चलो इससे आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं आपसे पूछा जाएगा कि स्वरों के प्रकार कितने प्रकार के स्वर होते हैं यहां पे हेडिंग डालेंगे आप स्वरों के प्रकार स्वरों के प्रकार यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं बड़ा सिंपल सा तरीका है कोई दिक्कत आपको नहीं होगी स्वरों का प्रकार देखना है ठीक स्वरों का प्रकार आप जानते हैं तीन प्रकार के स्वर होते हैं कितने प्रकार के स्वर होते हैं तीन प्रकार के सर कौन कौन से होते हैं एक होता है उच्चारण काल के आधार पर किस पर उच्चारण काल के आधार पर दूसरा होता है दोस्तों जीवा के आधार पर जीवा मीन्स जीव के आधार पर एक बोलते हैं हम मुंह खुलने के आधार पर ठीक है किस पर भाई मुंह के खुलने के आधार पर और ये कितने कितने प्रकार के होते हैं वो बात कर लेते हैं तो मुंह के खुलने के आधार पर जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं ध्यान रखना और जीवा के आधार पर होते हैं तीन प्रकार के उच्चारण काल के आधार पर होते हैं तीन प्रकार के ये ध्यान रखना इतना ध्यान रखना है फिर मैं सभी को एक कर एक करके एक्सप्लेन करता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे उच्चारण काल के आधार पर सबसे पहले आप डालेंगे उच्चारण काल के आधार पर उच्चारण काल के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन से होते हैं वो ध्यान रखना है बड़े सिंपल है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ठीक है बहुत ही सिंपल है मतलब हिंदी इतनी आसान है कि ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज इसको हम कह सकते हैं पूरी बोलकर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बोलकर हम पता लगा सकते हैं कि इसमें किस चीज़ का यूज़ हुआ है अभी बात करेंगे आगे जब हम चलेंगे ना आगे क ख ग घ घटट तप वर्ग जो होते हैं उनको देखेंगे ना तब तब पता लग जाएगा आपको बड़े आसानी से तो सबसे पहले हम बात करते हैं उच्चारण काल के आधार पर उच्चारण काल के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन से मैं यहां पर लिख देता हूं उसको फिर धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे यहां पर लिख देता हूं तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन से सबसे पहले होते हैं हृस्व स्वर दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर और होते हैं प्लुत स्वर ठीक है बात समझ में आ गई तीन प्रकार के हो गए उसके बाद जीवा के आधार पर यह भी हम जानेंगे अग्रस्वर पक्षस्वर मध्य स्वर यह होते हैं तीन प्रकार के मुंह खुलने के आधार पर विव्रत अर्धविव्रत समव्रत अर्ध समव्रत ये होते हैं तो इन सभी को एक एक करके हम समझ लेते हैं पहले ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिरस्व स्वर की हिरस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है कितना समय लगता है एक मात्रा का समय लगता है ध्यान रखना इस चीज का यहां तक दिख रहा है सर एक बार चेक करना वहां तक ठीक है उसके बाद दीर्घ स्वर की बात करें तो इसमें दो मात्रा का समय लगता है और प्लुत की बात करें तो इसमें दो से अधिक समय लगता है दो से अधिक मात्रा का समय लगता है मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके तो मैं सबसे पहले बात करता हूं हृस्व स्वर की हृस्व स्वर की बात करता हूं सबसे पहले हेडिंग डाली हमने हृस्व स्वर तो जिनमें एक मात्रा का समय लगता है उनको क्या कहते हैं उनको बोलते हैं हम हृस्व स्वर कौन कौन से होते हैं जो भी आपके मूल स्वर हैं जो भी आपके मूल स्वर हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं जैसे छोटा आ छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ और ऋषि ये सब क्या है भाई ये है ह्रस्व स्वर और संख्या कितनी है ह्रस्व स्वर की चार मैंने बताया था आपको उच्चारण काल के आधार पर कितने प्रकार के हैं तीन प्रकार के ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर प्लुप्त स्वर अब बात करते हैं स्वर की तो चार प्रकार के ह्रस्व स्वर होते हैं कौन कौन से अ ई ऋषि ये चार प्रकार के नहीं चार ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है चार ये ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं और आगे हम चेक करते हैं दोस्त यहां पर उच्चारण काल के आधार पर दूसरा होता है दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है वो भी चेक कर लेते हैं दीर्घ स्वर तो दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है वो सात होती है बाकी जितने भी होंगे वो सब दीर्घ स्वर होते हैं बाकी जितने भी होंगे वो दीर्घ स्वर होंगे सात चार ग्यारह होते हैं ना तो बाकी के जितने भी हैं कौन कौन से बचे चेक कर लो देखो छोटा आ यहां आ गया बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ छोटा ए बड़ा ए छोटा ओ और बड़ा ओ ये सभी क्या है इनमें दो मात्राओं का समय लगता है ध्यान रख लेना इसको फिर से लिख देता लिख देता हूं मैं एक मात्रा का समय एक मात्रा का समय लगने पर क्या होता है वो ह्रस्व स्वर दो मात्रा का समय दो मात्रा का समय क्या होगा दीर्घ स्वर और कितने होते हैं दीर्घ स्वर सात होते हैं ध्यान रखना तीसरा हमारा आता है स्वर प्लुत प्लुत स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्त प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं प्रकार नहीं कौन कौन से होते हैं प्लुत स्वर तो आप ध्यान रखना रहन ये एक ही होता है और दो से अधिक मात्रा का समय लगता है दो से अधिक मात्रा का समय लगता है वो कौन कौन से होते हैं कौन सा होता अक्षर ये कौन सा वर्ण होता है या क्या होता है वो कौन सा स्वर है तो आपको ध्यान रखना है जैसे मैंने एक लिख दिया आपके सामने राम ये है राम और इस राम को हमने बोलना है राम इसको थोड़े से लंबे या लेंदी वे में बोलना है तो हम बोलेंगे राम तो इस राम को कैसे लिखा जाएगा क्या हम ऐसे आके डंडा ऐसे लगाते चले लगाते चले जाएंगे नहीं दोस्त ऐसे नहीं लगाएंगे ध्यान रखना जब ऐसे कोई हमें वर्ण या ऐसे कोई हमें शब्द बोलना होता है राम श्याम ओम तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस गुरु का किसका यूज करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं इस गुरु का जैसे हमें लिखना है राम तो हम लिखेंगे राम और बड़ा लिखना है तो राम इस तरीके से और जैसे हमें लिखना है श्याम तो श्या श्याम इस तरीके से आप लिखेंगे बस ये ध्यान रखना है इस चीज का यूज होता है स्वर के लिए जब दो से अधिक मात्रा का समय लगता हो उसको बोलने के लिए जो यूज होता है उसी को बोलते हैं हम क्या प्लुत स्वर ठीक चलो इतनी बात समझ में आई अब हेडिंग डालो जीवा के आधार पर दूसरा है आपका जीवा के आधार पर यह तो हो गया उच्चारण काल के आधार पर दूसरा है जीवा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं मैंने इतना तो बता दिया आपको ठीक है कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के मैं एक जीवा बना देता हूं यहां पे एक जीव बना देता हूं भाई मान लो एक जीभ है और इस भाग को कहते हैं अग्रभाग क्या कहते हैं अग्रभाग और इसको अग्रस्वर भी कह सकते हैं और अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं और इसके पश्चात जो सबसे पीछे होते हैं उसको बोलते हैं पश्च भाग पश्च भाग और यहां पर बीच से जो बोला जाता है उसको बोलते हैं मध्य भाग और ऐसे ही नाम दे दिया अग्रस्वर मध्य स्वर स्वर ठीक है इन सभी को हम समझ लेते हैं ठीक इन सभी को हम समझ लेते हैं तो आपको दो चीजों को समझना है बाकी आपको याद रहेगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इसमें जो अग्र स्वर होते हैं जो अग्र भाग से बोले जाते हैं जैसे जीब है जीब का जो सबसे बाहर वाला भाग है उससे आप बोलेंगे तो कौन कौन से अक्षर निकलेंगे कौन कौन से हमारे हम, वर्ण निकलेंगे कौन कौन से स्वरों का निर्माण होगा यह हमें जानना है तो हमें मध्य स्वर सबसे पहले करना है केवल अ को जब आप बोलेंगे तो मध्य से बोला जाएगा जीव आपकी मध्य से उठेगी आप बोलो अ अ तो जीव कहां से उठेगी बीच से ठीक है बीच से उठेगी उसके बाद मैं बात करता हूं अग्र से जो आगे से बोले जाएंगे आगे से बोलने वाले होंगे सिर्फ चार ई ए, ए, ए और ए ये चारों आपके कहां से बोले जाएंगे अग्र से बोले जाएंगे पक्ष भाग से जितने भी बचे हुए हैं वो सभी पक्ष भाग से बोले जाएंगे आ उ, 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 ये सभी कहां से बोले जाएंगे पश्च भाग से बोले जाएंगे ठीक है जी चलो इतनी बात समझ में आई अब लास्ट हमारा है मुंह के खुलने के आधार पर मुंह के खुलने के आधार पर तो यहां पर मैं इसको समझा देता हूँ भाई फिर स्क्रीनशॉट साथ के साथ, साथ ले लेना तीनों एक ही बार में समझा देता हूं मुंह खुलने के आधार पर चार प्रकार के बताए थे मैंने कौन कौन से सबसे पहला जो होगा वो होगा विव्रत विव्रत स्वर बोलते हैं उनको विव्रत नंबर एक विव्रत दूसरा होगा अर्ध अर्धविव्रत अर्ध विव्रत विव्रत तीसरा होगा संवृत संवृत चौथा होगा अर्ध अर्धसंवृत इन सभी को बड़े ध्यान से समझना प्यार से समझना एक बार में समझ जाओगे बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है मैं इसको शॉर्ट में एक लैंग्वेज में लिख देता हूं कि जो विव्रत होता है उसको बोलते हैं ओपन जो मुंह को खुल कर के खोल करके खोल करके भूले जाते हैं ये है हाफ क्लोज आधा मुंह बंद हाफ ओपन आधा मुंह खोल करके हाफ ओपन इसको सम्रत को बोलते हैं क्लोज मुंह बंद करके जो बोले जाएंगे और इसको बोलते हैं अर्धसम्रत हाफ क्लोज आधा मुंह बंद करके हाफ क्लोज्ड तो कौन कौन से भाई ऐसे स्वर हैं जो बोले जाते हैं इस प्रकार से तो साथ के साथ बोलते रहना और करते रहना आसानी से कर पाओगे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी जैसे विव्रत ओपन मुंह करके एक ही ऐसा स्वर है जो मुंह को खोलकर बोला जाता है पूरे मुंह को खोल करके वो है आ जब आपको दर्द होता है तो बोलते हैं आ इंजेक्शन लगता है आ कोई ऐसी एक, एक साथ कोई बात बन जाए तो आप कहेंगे आ तो आ का जो स्थान है वो कहां से है मुंह एकदम खुल जाता है इस तरीके से आ आ खोल करके देखो है ना आ तो इस तरीके से होता है इसको बोलते हैं विव्रत तो केवल आ जो है वो विव्रत है केवल आ ध्यान रखना केवल आ क्या है विव्रत है उसके बाद अर्धविव्रत जो हाफ मुंह को ओपन करके बोले जाते हैं वो कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूं यहां पर फिर उनको आप देखना अ ए ओ अ ओ और एक होता है अ जैसे डॉक्टर गांव ठीक है इस तरीके से जो होता है ऑयल तो ये सभी अ आप बोलेंगे अ अ बोलने में पूरा मुंह खुलेगा क्या अ नहीं आधा मुंह खुलेगा ओके आप बोलेंगे ए ए आधा मुंह खुलेगा ओ आधा मुंह खुलेगा ओ आधा मुंह खुलेगा और होता है डॉ ओ, ओ तब भी आधा मुंह खुलेगा ओके अब होता है क्लोज जब मुंह आपका बंद रहेगा तो मुंह बंद करके समृत बोलते हैं क्लोज जब मुंह होगा आपका तो आप चार ऐसे स्वर हैं जिनको बोल सकते हैं बोलकर देखो मुंह बंद करके दांतों को बंद करके बोलकर देखो ई ई ओ ओ ये चारों ऐसे हैं ई ई ओ ओ जिन्हें मुंह बंद करके बोला जा सकता है ठीक है ई ई ओ ओ बात समझ में आ गई अब अर्धसमृत हाफ क्लोज आधा खुला हुआ मुंह जब आधा मुंह खुला हुआ होगा तो कौन कौन से हैं सिर्फ दो हैं बड़ी ए और बड़ा ओ छोटा ओ सॉरी ये है बड़ा ओ यहां पर ध्यान रखना ठीक है चलिए इतनी बात समझ में आई तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम आगे कंटिन्यू रखते हैं चैप्टर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और यहीं से हमारा जो समाप्त हो गया वो स्वर हमारे समाप्त हो चुके हैं अब हम बढ़ते हैं व्यंजन की ओर व्यंजन तो मेरे भाई एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इतनी बातें समझ आ रही हैं जो मैंने आपको समझाई है यहाँ तक क्लियर है सब कुछ चलो बहुत बढ़िया कमेंट कर देना जल्दी से सब कुछ अच्छे से समझा रहा हूँ और इतने अच्छे से मुझे लगता है कि आपको कोई नहीं समझा पाएगा बड़े इजी तरीके से अगर अच्छा लग रहा हो तो इस सेशन को लाइक करके जाना भाई कमेंट करना प्यारी सी और शेयर कर देना आप शेयर करेंगे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमारी हिम्मत बनी रहेगी और आगे भी हम टाइम से आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे क्योंकि सारा प्रोसेस आपके अंडर होता है आप चाहें तो हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकते हैं आप चाहें तो हम बंद भी कर सकते हैं क्यों क्योंकि आप अगर नहीं देखेंगे तो हमारा बनाने का कोई भी मकसद या कोई भी फायदा नहीं है आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखेंगे लोग जुड़ेंगे तो हमें भी अंदर से एनर्जी आएगी और हम भी ज्यादा संख्या में वीडियोज प्रोवाइड करेंगे बस यही होता है और कुछ नहीं है आप कहते हैं सर काफ़ी काफ़ी दिन में क्लासेस लाते हैं भाई जब आप एक, -एक दिन में लाखों के हिसाब से देखेंगे तो हम डेली क्लास लाएंगे क्या दिक्कत है इसमें कोई परेशानी थोड़ी है हमें क्या दिक्कत आती है क्लास लाने में बस यही है कि जब नहीं कोई देख रहा तो फिर क्या फायदा क्लासेस का ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं हम व्यंजन की किसकी बात करते हैं भाई व्यंजन की बात करते हैं व्यंजन स्वर हमारा कंप्लीट हो गया स्वर से संबंधित आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा अब बात करते हैं व्यंजन की तो व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर तेतीस होती है कितनी होती है तेतीस यानी थर्टी थ्री व्यंजन की संख्या होती है तेतीस उसके बाद हम बात करते हैं व्यंजनों की कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं कौन कौन से व्यंजन होते हैं चलिए समझ लेते हैं बड़े आसान से कोई दिक्कत हमें नहीं होगी तो इसके लिए एक फिगर बनाऊंगा मैं और एक छोटी सी आपको छोटी सी एक जिसे कहते हैं वर्ग का वर्ग जैसे क वर्ग प वर्ग फ वर्ग ये होता है ना ये वर्ग आपको याद रखना है तो वर्ग आपको याद रखने वर्ग व्यंजनों के लिए वर्ग आपको याद रखने हैं और वर्ग कितने होते हैं आपसे पूछा जाएगा तो पांच वर्ग होते हैं कौन कौन से क च ट त पचट तप ये पांच वर्ग होते हैं इन्हीं वर्ग के माध्यम से मैं अभी बनाता हूं एक फिगर उस फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा तो सबसे पहले क वर्ग ख वर्ग ग वर्ग इन्हें याद करने की ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिंदगी में नहीं भूल पाओगे ग वर्ग कैसे हो गया ये वर्ग होते हैं ठीक है कचट तप ये वर्ग होते हैं जैसे हमने यहां लिखा क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग पावर्ग कचट तप ठीक इस वर्ग में हम बनाते हैं इस तरीके से का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे वो सभी समझ लेते हैं तो क वर्ग के अंदर आएंगे क ख ण ठीक है और च वर्ग के अंदर आएगा च छ ज झ ण अइया बोल देते हैं इसको ट वर्ग के अंदर आएगा ट ठ ड ढ ण ट ठ ड गलत कर दिया ना ट ठ ड ढ ण ट वर्ग के अंदर आएगा त थ द, ध, ध ध न पवर्ग के अंतर्गत आएगा प फ ये सभी होते हैं आपके क्या व्यंजन और भी व्यंजन होते हैं जैसे और होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन अंतस्त व्यंजन इनकी संख्या होती है कौन कितनी चार कौन कौन से होते हैं योर लव य ठीक अब होते हैं उष्म या संघर्षी व्यंजन संघर्षी आ जाए या आ जाए उष्म व्यंजन उष्म व्यंजन. व्यंजन तो इनकी भी संख्या कितनी होती है चार होती है कितनी होती है चार होती है और कौन कौन से होते हैं श श, श, ह. श स, स, हाँ, यह हाँ, आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन ठीक है उसी के साथ साथ आपके आगे आते हैं संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी हम देख लेंगे कौन कौन से होते हैं तो ये भी होते हैं चार कितने होते हैं चार कौन कौन से होते हैं एक होता है छह त्र ग्या। और एक होता है श्री ठीक है ये अब ये कैसे होते हैं क्या होते हैं ये सभी बात हम कर लेंगे धीरे धीरे फिलहाल इस डायग्राम को पूरे को समझ लो ध्यान से इस डायग्राम को आप ढंग से समझ लो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और इसी के साथ मैं आपको दो छोटे छोटे और समझा रहा हूँ वर्ण एक होते हैं इस तरीके से ड आपने देखा होगा यहां पर बिंदी एक ढ देखा होगा आपने यहां पर बिंदी तो इन दोनों को हम उत्षिप्त व्यंजन बोलते हैं क्या बोलते हैं उत्षिप्त व्यंजन उत्षिप्त उक्षिप्त व्यंजन क्या बोलते हैं भाई उत्षिप्त व्यंजन या फिर इसको हम द्विगुण व्यंजन भी बोल देते हैं क्या द्विगुण लिख लेना भाई यहां पर यहां लिख देता द्विगुण व्यंजन उत्प्त या द्विगुण व्यंजन आपसे पूछा जाएगा या द्विगुण व्यंजन कौन से हैं द्विगुण व्यंजन तो ये दोनों द्विगुण व्यंजन है या उक्षिप्त व्यंजन है अब उसके साथ मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी बात कि इनको उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं तो इनका यूज कहां होता है किसी भी शब्द का स्टार्टिंग किसी भी शब्द की स्टार्टिंग इन दोनों से लेटर से दोनों वर्णों से नहीं हो सकती है दोनों व्यंजनों से नहीं हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना अब इन दोनों में इंग्लिश में क्या अंतर रहता है तो आपने देखा होगा ये जब ड लिखा होगा ड और ये लिखा होगा ढ या ये लिखा हो ड या ये लिखा हो ढ तो ये निर्माण किसका होता है इंग्लिश के किस अक्षर से ये बनते हैं किस लेटर से ये बनते हैं ध्यान रखना ये होता है डी के लिए नोट करते हैं डी ये होता है डी एच क्या होता है डी एच उसी प्रकार ये होता है जो होता है इसको आर से डिनोट करते हैं और ड को बोलते हैं आर एच के नाम से तो इनमें अंतर ये होता है जैसे अलीगढ़ लिखा हुआ है अलीगढ़ में आपने देखा होगा कि मोस्टली जो है वो आर एच का इस्तेमाल करते हैं और होना भी आर एच का इस्तेमाल चाहिए जैसे हमारा एक चैनल है एग्जामगढ़ वो ड जो लगा हुआ है ये लगा हुआ है गढ़ तो आरएच का इस, इसलिए हम यूज करते हैं ध्यान रखना बोल बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर डीएच का इस्तेमाल क्यों नहीं करते तो डीएच दोस्त इसके लिए इस्तेमाल होता है ये स्टार्टिंग में बनेगा जैसे ढक्कन लिखा जाएगा तो ढक्कन की स्पेलिंग को आर एच से नहीं नोट करेंगे आप डीएच से स्टार्ट करेंगे ढक्कन ठीक है तो ध्यान रखना इस चीज का कभी भी इस ड से स्टार्टिंग नहीं हो सकती है कभी भी किसी भी शब्द की चलो इतनी बात समझ में आई तो ये छोटा सा पॉइंट था वो मैंने समझा दिया आपको वैसे ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है आपको ध्यान रखना है तो व्यंजन बोले जाएंगे दो होते हैं ये दोनों ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन सभी को स्टार्टिंग से लास्ट तक क वर्ग से लेकर के क वर्ग से यहां से लेकर के क से लेकर के म तक जितने भी आपके जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों को क्या बोला जाता है ध्यान रखना उन व्यंजनों को बोला जाता है स्पर्शी व्यंजन स्पर्शी व्यंजन इनको बोला जाता है स्पर्शी व्यंजन ध्यान रखना इस चीज का और आपसे पूछा जाए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं तो जो आपका च वर्ग होता है ना च वर्ग वो होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन दो बात मैंने बताई है पहली जो चढ़वर्ग होगा पूरा वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है और क से लेकर के म तक वो सभी क्या होते हैं स्पर्शी व्यंजन होते हैं आपसे पूछा जाए स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं तो आप टोटल ये कर सकते हैं दो तीन पांच पांच दोनों दस पांच या पंद्रह पांच चौबीस पांच पांच पच्चीस पच्चीस होते हैं आपके क्या क्या होते हैं पच्चीस तो आप कहेंगे सर पच्चीस आपके होते हैं क्या स्पर्शी व्यंजन बात क्लियर है यहां तक अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं यार अलावा और आपके जो संघर्षी या व्यंजन है श स सह ऊष् व्यंजन मतलब जब आप बोलेंगे इनको तो अंदर ऊष्मा निकलेगी अंदर पेट के अंदर से यहां से श श श श ह ह स तो इस तरीके से इसको उष्म व्यंजन बोला जाता है संयुक्त व्यंजन ये दो दो से मिलकर के बनते हुए बनते हैं ये मैं बता देता हूं मैंने बताया नहीं ये किस किस से मिलकर के बनेंगे तो आपका छत जो होगा छ वो क और श से मिलकर के बनता है क और श से मिलकर के बनता है उसी प्रकार प्रकार से त्र जो होगा वो आपका त और र से मिलकर के बनता है त और र से ज्ञ जो है आपका ज और अय से मिलकर के बनता है किससे ज और अय्या से मिलकर के बनता है ऐसे ही श और र से मिलकर के ये बनता है श प्लस र से मिलकर के बनता है ये श्र बात क्लियर है यहां तक समझ में आ गई भाई चलो इतनी बात की हमने उसके बाद देखो इसको बोलते हैं पहला इसको बोलते हैं पहला इसको बोलते हैं दूसरा इसको बोलते हैं, बोलते हैं तीसरा इसको बोलते हैं चौथा इसको बोलते हैं पांचवा और इस को हम पचवा अक्षर भी बोलते हैं ध्यान रखना इस चीज का आगे बढ़ते हैं और कुछ समझते हैं ध्यान से देखते हैं अब बात करते हैं वाहक की छोटी सी बात करते हैं अयोगवाह वाहक इतनी बात समझ में आ गई देखो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं एक सेकंड के अंदर व्यंजन होते हैं तैतीस वर्गों की संख्या कितनी होती है पांच कचट तप आप इतने इस तरीके से याद रखेंगे कचट तप ये आपको फिगर माइंड में बन जानी चाहिए माइंड में कैसे बनेगी ध्यान रखना इसको बोलना कचट तप क्या बोलेंगे कचट तप कचट तप कचट तप कचट तप, कचट तप इस तरीके से रट लो इसको कचट तप रट लिया उसके बाद कचट तप को इस सीक्वेंस में लगाओ और क से क ख चया टा ये सभी क्या है? वर्ग है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या यह अलावा उसमें व्यंजनों की संख्या चार शह है आपसे पूछा जाए संयुक्त व्यंजनों की संख्या छत्र और श्रेय ठीक इतनी बात समझ में आई चलो आगे बढ़ते हैं अब इससे हम आगे बढ़कर के हम बात करते हैं दोस्त अयोगवाह की एक छोटी सी बात और कर लेते हैं अयोगवाह वैसे तो हमने अयोगवाह समझ लिया कौन कौन से होते हैं अयोगवाह लेकिन अयोगवाह में हम थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा और डीपली बढ़ते हैं और समझते हैं एक होता है अंग इस अंग को क्या बोला जाता है वैसे तो ये अयोगवाह है उतनी तो सबको पता है आपसे अगर ये बोला जाए कि अयोगवाह कौन कौन से हैं तो आप कहेंगे यह जो अयोगवाह है ठीक है और एक अयोगवाह होता है आपका ये ठीक है लेकिन इनको बोला क्या जाता है ध्यान रखना इस चीज का इसको बोला जाता है अनुस्वार क्या बोला जाता है इसको अनुस्वार आपको की बिंदी लग के आ जाए अंग कि ये कौन सा अनुस्वार है ठीक है तो आप बताएंगे ये अनुस्वार है ठीक आपसे बोला जाए ये अंग बन जाए ये वाली ये तो आप कहेंगे ये अनुनासिक है क्या है अनुनासिक उसके बाद ये आ जाए तो यह होती है विसर्ग ये तो सबको याद होगा विसर्ग क्यों क्योंकि आपने विसर्ग संधि भी जो पढ़नी है वो इसी से संबंधित होगी विसर्ग संधि इतनी बात बताई मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आपको एक और नई बात बताने जा रहा हूं तो वो आपको शायद अच्छा लगेगा प्रोग्राम चलो इसका स्क्रीन लीजिए फिर मैं इसको यहां से मिटा देता हूं और मैं समझाता हूं एक छोटी सी फिगर बना के सब कुछ फिगर के माध्यम से होगा और बड़े आसान तरीके से होगा देखना मिटा देता हूं इसको ना एक छोटी सी फिगर बनाता हूं भाई ये बन गया आपका व्यक्ति का कोई फेस ठीक है तो आपने देखा होगा कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ट ये चीजें होती हैं है ना कौन सा जो व्यंजन है वो कहां से बोला जाता है भाई आज ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां से जो आवाज ये जैसे ये व्यक्ति है ठीक है ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति का यहां पर होता है क्या दिल क्या होता है दिल और यहीं से क्या होता है प्राणवायु निकलती है यहीं से प्राणवायु निकलती है और इस प्राणवायु को यह प्राणवायु निकलती है और ये प्राणवायु जाकर के कंठ पे लगेगी तो कंठ से निकलेगा तालू पे लगेगी तालू से मूर्धा से लगेगी तो मूर्धा से दांत से लगेगी दंत से होठ से लगेगी तो ओष्ट से ये सभी प्रकार इस तरीके से आगे निकलते हैं सीक्वेंस याद होना बहुत अनिवार्य है जैसे सबसे पहले जब वायु निकलेगी नंबर वन पे तो कहां से निकलेगी कंठ इसको बोलते हैं कंठ इसको बोलते हैं कंठ 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 के बाद होता है तालु तालू के बाद मूर्धा इस तरीके से होता है इसको बोलते हैं कंठ ध्यान रखना इसको बोलते हैं कंठ क्या बोलते हैं इसको कंठ कंठ के बाद भाई सबसे पहले ये होट होते हैं यहां पे होट तो इसको बोलते हैं ओष्ट ओष्ट ठीक है Oost या होटो से ठीक है उसके बाद होट सबसे बाहर क्या होते हैं आप देखो यहां थोड़ा सा लॉजिक लगाओ सबसे बाहर क्या है? मैंने फेस बंद किया हुआ, दांत इसको बोलते हैं दंत दूसरे नंबर पे आएंगे दंत तो दंत कहां होते हैं यहां पर होते हैं दांत तो इसको बोलते हैं है? खुरदरा एरिया होता है यहां पर इस तरीके से चेक करो आप यहां जीप लगा करके एक खुरदरा एरिया होता है उसके बाद होता है एक चिकना एरिया और इस चिकने एरिया को बोलते हैं तालू क्या बोलते हैं तालू और इस खुरदरे एरिया को क्या बोलते हैं मूर्धा ठीक और इसको बोलते हैं दंत इसको बोलते हैं ओस्ट आई थिंक कि रेड कलर आपको क्लियर शो हो रहा होगा ठीक बिल्कुल हाँ इतना तो ठीक है तो यहां पर बात समझ में आई आपके इतनी बात समझ में आई यस सर बोलिए एक बार कमेंट करिए और यस सर बोलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसका मैं आपको तरीका बता देता हूं कि क्या तरीका है पहले नंबर पे किसको रखना है दूसरे नंबर पे किसको रखना है वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूं देखिए दोस्त यहां पर जो है वो सिस्टम क्या है सिस्टम ये है कि जब आप बोलेंगे क ग तो इनका एक एरिया होता है बोलने का कि कौन सी जगह से ये बोले जाएंगे इनकी कोई एक जगह होती है फिक्स कि इस जगह से ये बोले जाएंगे ठीक है और वही जगह मैं आपको बता रहा हूं कि कंठ जो होगा वो पहले नंबर पे होगा कंठ जो होगा वो पहले नंबर पे होगा और तालु जो होगा वो दूसरे नंबर पे होगा मूर्धा तीसरे नंबर पे होगा और दंत चौथे नंबर पे होगा ओष्ठ पांचवें नंबर पे होगा ठीक है मतलब ये पहला दूसरा क्या हुआ तो जो वर्ग है वो पहला वर्ग है ये दूसरा है ये तीसरा है ये चौथा है ये पांचवा है बस यही तो है अब यहां लिख लो कोई दिक्कत नहीं है तो जो क है कंठ है कंठ सबसे पहले वायु प्राणवायु आएगी कंठ से लगेगी आप बोलोगे पहला कहां है कंठ नंबर वन कंठ पहला कहां है क वर्ग बोलो क ख ग ख यहां से पकड़ो आप उंगली लगाओ क ख ग तो आपकी जो प्राण वायु है वो अटैक करेगी कहां सीधी यहां पर कंठ पर तो ये सारे के सारे कहां से बोले जाएंगे बोले जाएंगे कवर कहां से बोला जाएगा कंठ से बोला जाएगा ध्यान रखना इस चीज का कंठ से बोला जाएगा दूसरे नंबर पे आता है तालु च वर्ग च छ

आप बोलो त थ द ध न त थ द ध न ये आप दा, आपके त थ द आपके दांतों से जीव लगेगी दांतों से टकराएगी जीव तो इसको बोलते हैं दंत से त वर्ग जो होगा वो दांतों से बोला जाएगा दंत से बोला जाएगा अब आता है होठों से होठों से ओष्ट से आप बोलो प फ ब भ म जितने भी आप इनको बोलेंगे व्यंजनों को प फ ब भ तो प वर्ग जो होगा वो कहां से बोला जाएगा ओष्ट से या होठों से ओष्ट से या होठों से ठीक है ओष्ट से या होठों से क्लियर है इतनी बात समझ में स्क्रीन शॉट लो इसका फिर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ एक ह और होता है ह कहां से बोला जाएगा ये ह जो होता है वो कहाँ से बोला जाएगा और ये सभी अलग अलग हमारे ये जो <coughs> ये जो हमारे अलग अलग हैं वो कहाँ से बोले जाएंगे एक फिगर बनाऊंगा उसके माध्यम से समझाऊंगा आपको ठीक है तो एक इसमें से ह निकाल देते हैं ह ये बोला जाता है अली से कहाँ से अली ये जीभ होती है यहाँ पर और ये नासिक के नाक की नली होती है नाक की नली और जीभ के पीछे वाले एरिया से लगता है और यहीं से बोला जाता है ह क्या बोला जाता है ह तो इसका उच्चारण एरिया जो होता है वो होता है अली इसकी बात अभी हम डिटेल में करेंगे सिर्फ ये ह जो बोला जाता है वो अली से बोला जाता है इसकी बात हम बाद में करेंगे फ़िलहाल इसको मिटा करके हम एक फ़िगर बनाते हैं उस फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे इतनी बात समझ में आई तो इसका स्क्रीन ले लीजिए आप इतनी बात समझ में आई स्क्रीन शॉट ले लीजिए और मैं एक बता देता हूं कि इसको शॉर्ट में लैंग्वेज में याद रखने का तरीका कि पहले पर कौन सा है दूसरे पर कौन सा है तो एक के टी एम बाइक है के टी एम इतना आपको याद रखना है कि के वन पे आएगा टी टू पे आएगा एम थ्री पे आएगा के टी एम तो कंठ तालु मूर्धा ये तीनों याद रहने चाहिए बाकी आप जानते हैं दंत अंदर है और होठ बाहर है चौथे नंबर पे दांत आएंगे फिर पांचवें नंबर पे होठ आएंगे तो के टी एम आप कह सकते हैं दंत डी ओ ओस्ट ठीक है बात क्लियर है यहाँ तक चलो इसको मिटा देता हूँ और मिटा करके आगे बढ़ते हैं एक छोटी सी फिगर बनानी पड़ेगी और फिगर मैं फोन में देख करके बना करके आपको यहाँ पर कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा थोड़ी सी बड़ी फिगर है आपको नौ के नौ में वो समझा देता हूँ ठीक है क्रम और अच्छे तरीके से समझाऊंगा इसको स्क्रीनशॉट ले लें ले, एक बार नहीं लिया तो चलिए ज़्यादा समय की क्लास और नहीं होगी बस थोड़ा सा समय और लगेगा इस फिगर को बनने के बाद आपका जो चैप्टर है वो मोस्टली ये समझ लीजिए कि कम्प्लीट ही है और फिर उसके बाद क्वेश्चन लगा करके देखना और इसकी एक लाइव क्लास में दूंगा क्वेश्चंस की आप लाइव में आंसर देंगे उन क्वेश्चंस का ठीक है तो उसकी भी मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा क्लास चिंता ना करें फिलहाल आप इस फिगर को समझें ये है क्रम संख्या ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये क्रम संख्या है क्रम संख्या ध्यान रखना उसके बाद हम उच्चारण स्थान उच्चारण स्थान उच्चारण स्थान उसके बाद हम वर्ण लेंगे वर्ण और थोड़ा सा इधर ले, ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है वर्ण और यहां ले, ले लेते हैं नाम चलिए देखना सर यहां तक दिख रहा है ओके उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम यहां देखते हैं किस किस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको पता है एक होते हैं स्वर और स्वर में लिख लेता हूं यहां पर आ, आ ए, ए ओ ऋ ए, ए ओ, ओ, ये तो हो गए आपके स्वर अब आते हैं व्यंजन अब आते हैं व्यंजन व्यंजन क वर्ग ठीक क च ट, त, प, पूरे ये वर्ग ये सभी आएंगे और इसी के साथ साथ अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन व्यंजन, ये सभी इसी में होंगे एक संयुक्त व्यंजन ये सभी इसके अंदर आएंगे और कौन कौन से कहां कहां से बोले जाएंगे वो भी बात कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उच्चारण स्थान की उच्चारण स्थान की तो एक एक करके पढ़ेंगे नौ के नौ पढ़ने नौ के नौ आपने देख लिए तो आप आसानी से सब कुछ सीख पाओगे आसानी से कर पाओगे ठीक है तो यह पूरा का पूरा फिगर मैंने बना दिया और फिगर क्या है अभी आपको पता लग जाएगा एक मिनट में जैसे मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले वर्ग जो आता है वो आता है कंठ क्या आता है कंठ नंबर वन पे आता है कंठ तो हम लिखेंगे यहां पे कंठ ये होता है कंठ मार्कर यूज करते हैं ब्लैक इसको बोलते हैं कंठ और कंठ से क्या क्या बोला जाता है आप बताओ मुझे तो मैंने आपको बताया था क वर्ग क वर्ग का वर्ग मींस का वर्ग मीन्स आपके व्यंजन कावर्ग, का वर्ग गा, ये पूरा क ख गा ये कंठ से बोला जाता है साथ ही साथ आपके स्वर जो होंगे उनमें से कौन कौन से कंठ से बोले जाएंगे स्वर तो अ आ, आ, कंठ से बोले जाएंगे अ आ, आ और उसी के साथ साथ आपका बोला जाएगा अ आ, आ और बोला जाएगा छोटे अंग बड़े अंग अब देखो ये इस तरीके से है ये भी है तो यहां पर अंतस्थ व्यंजन भी हम लेंगे एक बोला जाएगा क वर्ग पूरा बोला जाएगा और आ, ये अ स्वर से आ, आ, और अंग ये बोले जाएंगे आपके कहां से वर्ण ये बोले जाएंगे आपके कंठ से और इसको जो नाम दिया जाएगा वो बोला जाएगा कंठ क्या बोला जाएगा कंठ ठीक है क्या नाम बोला जाएगा कंठ बात समझ में आ गई उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तालू की दूसरे नंबर पे आता है क्या तालू पहले नंबर पे कंठ दूसरे नंबर पे तालू यहां पे लिखते हैं हम तालू और तालू से कौन कौन से बोले जाते हैं तो आप जानते हैं तालू से वर्ग बोला जाएगा च वर्ग के साथ साथ च वर्ग बोला जाएगा और च वर्ग के साथ साथ देखो मैंने यहाँ और लिख देता हूं आपके जो जो रह गए थे आपके संयुक्त व्यंजन ये तो उष्म व्यंजन अंतस्थ व्यंजन उष्म व्यंजन श, श स, ह, और यहां पर लिख देता हूं मैं संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन वो कौन कौन से हैं छ त्र ग्या, श्र ये हैं ठीक है तो च वर्ग से बोला जाएगा कौन कौन से और बोले जाएंगे ई ई य और, इ, इ, या, और क्लियर है बात ई ई ये और इसको बोला जाएगा तालव्य इसको बोला जाएगा तालव्य बात क्लियर है यहां तक इसको बोला जाएगा तालव्य बात को समझना च वर्ग पूरा आ गया क वर्ग ऊपर चला गया उसमें कंठ में च वर्ग पूरा आ गया उसके साथ ए, ए आ गया देखो ये ई और ई आ गया और उसी के साथ साथ या, य या आ गया या यहां से आ गया ठीक है अंतस्थ व्यंजन से और आपका आ गया श श कहां से आ गया उष्म उष्म व्यंजन से या संघर्षी व्यंजन से उसके बाद तालू के बाद तीसरे नंबर पे आता है मूर्धा क्या आता है मूर्धा और मूर्धा से आप सभी जानते हैं क्या बोला जाता है आप सभी जानते हैं मूर्धा से क्या बोला जाता है ट वर्ग क्या बोला जाता है ट वर्ग साथ -साथ जाएगा ऋषि और ऋषि के साथ साथ बोला जाएगा आपका ड ढ और श ठीक है ड ढ और श। कौन सा ये वाला ढ कौन सा ये वाला और श ये वाला श ठीक ये आपके कहां से बोले जाएंगे दोस्त ये बोले जाएंगे आपके मूर्धा से तो यहां पर एक बार चाहे तो कट कर लें ये वाला श और जो ये आपके उक्षिप्त व्यंजन थे दोनों ये वाले ठीक है और ये श्रेय ये ये सभी आपके कहा से बोले जाएंगे मूर्धा से और इसको बोला जाता है मूर्धन्य मूर्धन्य इसको ध्यान से समझ लेना फिगर को ये फिगर समझ ली आपने तो पूरा आपका ये क्लियर है वर्ण वाला चैप्टर उसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारा दंत क्या आता है दंत और दंत से बोले जाते हैं कौन सा वर्ग त वर्ग दंत से बोला जाता है त वर्ग और क्या क्या बोला जाता है दंत से बताओ कमेंट करके दंत से और क्या क्या बोला जाएगा तय वर्ग पूरा बोला जाएगा और तय वर्ग के साथ साथ स ल और र और रह। ये तीनों आपके बोले जाएंगे स ल और रह। ठीक है बात समझ में आ रही है आगे बढ़ते हैं उसके बाद पांचवा आता है ओष्ट ओष्ट से बोले जाने वाले ओष्ट ओष्ट और एक ध्यान रखना इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है दंत्य ठीक दंत ओष्ठ से बोले जाने वाले पावर्ग पूरा ओष्ठ से बोला जाएगा पावर्ग पावर्ग और उ और उ आपका ये पावर्ग यहां से बोला जाएगा और ओष्ठ से बोला जाएगा और इसको बोलते हैं ओष्ठ ओष्ठ ठीक चलिए छठवें नंबर पे अब क्या आ गया सर आपने तो पांच ही बताएं के टी एम और डी ओ आपने यही बताएं बस तो बाकी के सारे कहां से आते हैं तो दोस्तों जो मिलकर के बनते हैं जैसे ये है ये है ये मिलकर के बनते हैं इनका भी तो निर्माण कहीं ना कहीं से होगा इनका भी तो निर्माण कहीं ना कहीं से होगा वो कैसे होगा वो देख लेते हैं चलिए जैसे अब आएगा छठवा कंठ और तालू कंठ प्लस तालु से मिलकर के कौन कौन से बनेंगे कंठ तालु से मिलकर के बनेंगे आपके ए और ए और ए क्यों क्यों क्या क्यों, क्यों बनेंगे वो देखते हैं पहले तो ये जो ए बनता है आपका वो अ से या बड़े आ से या ई से या बड़ी ई से मिल करके बनता है ये तो होता है उसी के साथ साथ जो ये बड़ा ए है सॉरी बड़ा ए है वो किससे मिल करके बनेगा बड़े आ से प्लस बड़ी ई e से ठीक है तो आप देखेंगे अ जो है वो कहाँ से बोला जाएगा कंठ से ई e कहाँ से बोला जाता है तो ई e मैंने आपको बता दिया तालु से तो कंठ तालु कंठ तालु इसलिए ए और ए ये दोनों कहाँ से बोले जाएंगे ये दोनों कहाँ से बोले जाएंगे ये कंठ तालु से बोला जाएगा और इसको जो नाम दिया गया है वो है कंठ तालव्य कंठ तालव्य कंठ तालव्य उसके बाद सातवें नंबर पे आता है कंठ ओस्ट कंठ ओस्ट प्लस ओस्ट कंठ से और होठों से कंठ और ओष्ठ ये जो होंगे वो कौन कौन से होंगे आपके ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा होंगे ओ और ओ ओ और ओ तो पहले ओ को ही कवर करते हैं ओ जो बना होता है वो बना होता है आपका अ और ऊ से और जो बड़ा ओ है वो बना होता है अ प्लस बड़े आ प्लस बड़े ऊ से ठीक है तो आपको यह ध्यान रखना है और यहां पर जो अ है वो कंठ से बोला जाता है जो ऊ है वो ओष्ट से बोला जाता है तो इसको बोलते हैं कंठोस्ट 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 ठीक उसके बाद आठवां नंबर है आठवां नंबर जो होगा आपका वो लिख लीजिए भाई मैं बता देता हूं यहां पर आठवां नंबर होगा आपका दंत स, दंत ओस्ट से दंत प्लस ओस्ट दंत ओस्ट और ये होंगे आपके केवल व व जो होगा वो कंठोस्ट से बोला जाएगा और इसको बोलते हैं कंठोस्ट नहीं एक सेकंड कंठोस्ट दंतोस्ट ठीक चलिए आगे नौवा और लास्ट कवर करते हैं आगे होगा आपका नाक से बोले जाने वाला नाक से जो बोला जाएगा नाशिक नाशिक के धुनिया। एक तो मैंने नाक से बोलने वाला बताया था आपको अंग एक होता है आपका जो भी लास्ट वाले वर्ग होते हैं पांचवा जो पांचवा जो वर्ग होता है पीछे वाला उसको बोलते हैं जैसे द, ड अण न और म ये सभी नाक से बोले जाते हैं और नासिक के बोलते हैं इनको नासिक के ठीक है चलिए ये सभी आपके आगे उसके बाद इसको एक बार फिर से समझा करके हम आगे बढ़ेंगे भाई ठीक है इसको समझा करके आगे बढ़ेंगे और आगे भी हम थोड़ा बहुत समझेंगे अल्पप्राण महाप्राण रह गए आगे उनको भी कवर कर लेंगे इसी क्लास में इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर से मैं समझा देता हूँ आपको देखिए यहां समझिए कंठ से बोले जाने वाले क वर्ग बोला जाता है आ, आ अंग ये कंठ से बोले जाते हैं तालु से च वर्ग बोला जाता है ई या श, तालव्य से बोला जाता है मूर्धा से ट वर्ग और ये ऋषि श ये सभी मूर्धा से बोला जाता है ठीक उसके बाद आगे आता है ये है उसके बाद आगे दंत से बोला जाता है वर्ग बोला जाता है स ल र औष्ट बोला जाता है पावर्ग ओ ओष्ट से कंठ से तालु कंठ और तालु से कंठ तालव्य बोलते हैं इसको कंठ तालव्य ए और ए बोला जाता है कंठ ओष्ट से यहां पर मैं ऐसे करके मार्क कर देता हूं ये बोले जाते हैं बस ठीक है ये बोले जाते हैं और कंठ ओष्ठ से ओ और बड़ा ओ ये बोले जाते हैं दंतोष्ट से केवल व बोला जाता है दंतोष्ट से और नाक यानी नाशक की ध्वनिया जो है वो ये है सारी की सारी ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मैं इसको मिटा देता हूं और आगे बढ़ते हैं हम ठीक है आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से वही फिगर बनाएंगे और अल्प महाप्राण को समझेंगे उससे पहले हम बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन और लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं पार्श्विक व्यंजन और लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं ये फिगर याद कर लेना यार एक बार ध्यान से ज़रूर तो आपको मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएंगी ये फिगर मैन है इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा दूंगा मैं टेलीग्राम पर वैसे आप भी याद कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको और भैया कुछ ना कुछ तो यार करना पड़ेगा एग्ज़ाम को क्रेक करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको पक्की पक्की खिचड़ी मिल जाए बिना पढ़े सर आपका पेपर दे के आ जाए और आपका काम हो जाए तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है ठीक है पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत बाकी चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे पढ़ना आपका काम है और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करने का भी काम आपका ही है मेरा नहीं है और अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक का भी काम आपका ही है लेकिन डिसलाइक करने के बाद तुरंत कमेंट में ये बताएं कि सर इसलिए हमको अच्छा नहीं लग रही क्लास खामो बेकार में अगर डिसलाइक करके जाते तो मज़ा नहीं आता डिसलाइक करो कोई मना नहीं है डिसलाइक करने के लिए लेकिन डिसलाइक के बाद एक प्यारी सी कमेंट छोड़ के जाओ कि सर ये परेशानी है इसलिए हमने डिसलाइक किया क्लास ठीक है चलो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये बताओ अंतस्थ व्यंजन अभी पढ़ाए मैंने अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा ये तो पढ़ा है मैंने अब इसमें आप देखो ये जो व्यंजन होते हैं एक र होता है एक ल होता है तो इसको बोलते हैं लुंठित ध्यान रखना इसको बोलते हैं लुंठित व्यंजन ठीक और इसको बोलते हैं हम पार्श्विक 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 ठीक है और इसके साथ साथ पार्श्विक के साथ साथ, साथ आपको ध्यान रखना है जो य है वो कहां से बोला जाता है तालु से बोला जाता है कहां से ये तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको तालु से बोला जाता है और ये जो है ना य और व यह दोनों अर्ध स्वर हैं ये ध्यान रखना अर्ध स्वर हैं आपसे पूछा जाए अर्धस्वर कौन-कौन से होते हैं तो ध्यान रखना य और व अर्धस्वर हैं ये लुंठित है इसको मिटा दो ये तो मैंने बता दिया आपको ये होता है लुंठित ये होता है पार्श्विक ये य ये व और य अर्धस्वर हैं ठीक है चलो अब एक छोटी सी बात और मैं आपको समझा देता हूं दोस्त छोटी सी बात और मैं समझा देता हूं कि आपने बिंदी लगी देखी होंगी इस तरीके से एक यहां कभी कभी यहां लगी देखी होगी कभी कभी आपने यहां लगी देखी होगी कभी कभी आपने नीचे भी लगी देखी होगी कभी कभी आपने यहां लगी देखी होगी तो इन सभी बिंदियों का मतलब क्या होता है तो मैं आपको समझाई देता हूँ एक बार ये एग्जाम में पूछा जा सकता है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना जैसे अंग लगा हुआ है अंग तो इसको बोलते हैं अनुस्वार आपके सामने ये ये वाली आ जाए भाई कि ये कौन सा किसका निशान है तो आप कहेंगे अनुस्वार है ठीक है उसी प्रकार से कवर्ग जो होता है कवर्ग का लास्ट का जो ड होता है इस तरीके से वो यहां पर उसमें बिंदी लगी होती है और वो बिंदी ये वाली यूज होती है ये वाली ठीक है ध्यान रखना इस चीज़ का और अब बात आती है कि सर ये वाली बिंदी कहां यूज होती है तो आप देखेंगे तो ये ड जो होता है नीचे बिंदी और ये ढ होता है नीचे इसमें बिंदी जो होती है यानी उत्षिप्त व्यंजन जो होते हैं वो ये दोनों होते हैं ये वाली बिंदी यूज होती है अब ये कहाँ यूज होती है इसको बोलते हैं नुकता क्या बोलते हैं नुक्ता और ये नुकता कहां कहां यूज होता है आपने देखा होगा क इसको नुक्ता वाले वर्ण बोलते हैं नुक्ता वाले वर्ण और ये नवीन ध्वनिया है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नवीन ध्वनिया कौन सी है तो वो ये है क ख ग फ ठीक और ये इनको नुक्ता वाले वर्ण बोलते हैं नुक्ता वाले वर्ण ठीक है चलिए इतनी बात समझ में आई फिर आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और नई चीज़ें सीख लेते हैं हाँ द्वित्व व्यंजन और सीख लीजिए इसी में द्वित्व व्यंजन द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं दोस्त ध्यान रखना द्वित्व व्यंजन वो होते हैं जब किसी व्यंजन से पहले आधा वही व्यंजन आ जाए तो द्वित्व व्यंजन कहलाता है जैसे दिल्ली बिल्ली बच्चा कच्चा ये सभी क्या है द्वित्व व्यंजन द्वित्व व्यंजन कैसे होंगे जैसे दिल्ली है पूरे पूरे व्यंजन से पहले आधा व्यंजन वही आ गया सेम जैसे बिल्ली है लास्ट में उसी व्यंजन से पहले वही व्यंजन आ गया जैसे बच्चा है ठीक है वो उस व्यंजन से पहले वो व्यंजन आ गया सेम इस तरीके से ये होते हैं द्वित्व व्यंजन और मानक और अमानक क्या होता है वो देख लीजिए मानक अमानक तो ध्यान रखें ये मानक है जो मानक द्वारा अब तैयार करके उसको चेंज कर दिया गया है अमानक है जो पहले से हम यूज करते आ रहे थे जैसे कोई ध्वनि है आप पहले हिंदी को इस तरीके से लिखते थे हिंदी लेकिन ये अमानक अमानक ध्वनि थी ये अमानक था ये शब्द लेकिन इसको अब मानक रूप से बना दिया गया तो इसको लिख दिया नए की जगह पर उसने अंकी बिंदी लगा दी और हिंदी को कर दिया ऐसे तो ये क्या है मानक है तो हिंदी आपसे लिखी जाए दो तरीके से कि कौन सी मानक हिंदी लिखी हुई है तो मानक ये है वो अमानक है ठीक है आपसे कहा जाए जैसे विद्या विद्या पहले हम लिखते थे विद्या इस तरीके से विद्या अब जो हम विद्या लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं विद्या तो ये मानक है ये अमानक है बस इतना सा अंतर है इसमें और कुछ नहीं है ऐसे आप बुक ले लेना कोई भी उसमें देख लेना काफी शब्द मिलते हैं आपको बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं अल्पप्राण और महाप्राण के उसके बाद आज की क्लास को हम ऑफ करेंगे तो एक बार इसको मिटा करके हम सब कुछ बना देते हैं फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कमेंट करके बताओ एक बार समझ में आ रहा है भाई यस सर बोलिए स्वर अ आ, आ इ ए ओ उ ऋषि ए ए ओ ओ ये हो गए स्वर व्यंजन क च ट पूरा वर्ग ठीक और इसी के साथ साथ आते हैं अंतस्थ व्यंजन चलो वहां वहां करेंगे आगे इसको मिटा देता हूँ क च त च छ ज झ अय ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म ठीक उसके बाद अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन व्यंजन, ह, ठीक है उसी के साथ साथ चलो इतनी बात बहुत है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझा देता हूँ मैं ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ठीक है ये सभी हैं और अब बात करते हैं सबसे पहले इसको मिटा देता हूं ना कचट पिए ये तो आप समझ गए होंगे प वर्ग तो इसको मिटा देता हूं इनको स्वर को लिखे रहने दो तो सबसे पहले हम बात करते हैं सघोष या अघोष की ये अघोष सघोष क्या होते हैं तो जो सघोष होते हैं ना उसमें कंपन होता है कंपन होता है या बदलाव होता है उसी को बोलते हैं हम घोस घोस या सघोस एक ही बात है कहीं घोष लिखा हो या कहीं सघोस लिखा हो वो एक ही बात है लेकिन अघोस में अ घोस यानी घोष में अ लगा हुआ है अ का मतलब नहीं जिसमें घोष नहीं होता जिसमें कंपन नहीं होता उसे अघोस बोलते हैं ठीक है तो आपने देखा ये पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये, ये पांचवा तो यहां पर अघोष और सघोष में अंदर यह है कि, कि जब यह बदलाव होगा तो सघोष या घोष कहा जाएगा बदलाव नहीं होगा तो अघोष कहा जाएगा जैसे अघोष की बात कर रहा हूं तो अघोष इनमें कौन कौन से हैं जिनमें बदलाव नहीं होता जिनमें बदलाव नहीं होता वो कौन कौन से हैं क अघोष होते हैं क ख ध्यान रखना पहला और दूसरा पहला और दूसरा जो होता है वो क्या होता है अघोष क्या होता है अघोष तो यहां पे लिख देता हूं मैं पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है अघोष होता है ये लिखा हुआ है यहां पर आप बोल करके देखो आ, आप बोलेंगे क और ख आप बोलेंगे क और खा। इन दोनों में आपको बदलाव नहीं दिखाई देगा क और ख में बदलाव नहीं दिखाई देगा क ख में लेकिन जैसे आप की तरफ बढ़ेंगे ग तो इस, इस आपको बदलाव दिखाई देगा इसमें आपको बदलाव दिखाई देगा तो ये तीनों जो होते हैं वो सघोस होते हैं यहां लिख देता हूं मैं सघोस तो ये होते हैं तीसरा चौथा पांचवा वो होते हैं क्या सघो सग, सघोस या घोष एक ही बात है उसी के साथ साथ श श स और से। तीनों स जो होती है वो इसी के अंदर आती है ठीक है अघोष के अंदर और एक जो होता है ह ह वो इसके अंदर आएगा और सघोष में ही आते हैं स्वर और स्वर के साथ साथ य वे, या रे ले वे। ये सब इसके अंदर आएंगे ठीक ध्यान रखना बाकी सब आप समझ गए सघोष अघोष क्या होते हैं अब बात करेंगे हम अल प्राण और महाप्राण के अल्प प्राण और महाप्राण के तो एक सेकंड, तो आपने समझा सघोष अघोष को समझ लिया उसके बाद हम बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की, ये दोनों होते हैं अघोष और ये लास्ट के तीनों होते हैं सघोष ठीक है सघोष उसी के साथ श, स और स ये सभी अघोष में आते हैं स्वर सारे के सारे आपके सघोष में आएंगे और यहां पर यह रले हुए आपके कहां आएंगे वो भी सघोष में आएंगे अब बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की किसकी अल्प प्राण और महाप्राण की दोस्तों अल्प प्राण महाप्राण क्या है एक बात को समझ लो थोड़ा सा अल्प प्राण महाप्राण ठीक ये आपकी प्राणवायु होती है प्राणवायु और प्राणवायु जब कम खर्च होती है जब कम खर्च होती है तो क्या होगा अल्प्राण जब प्राणवायु ज्यादा खर्च होगी ज्यादा खर्च हो तब क्या होगा महाप्राण बस इतना सा ध्यान रखो जब स्टार्टिंग में बचपन में पढ़ते थे तो हमें सिखाया जाता था क ख ग, ग, ग ड, छ इस तरीके से तो ये पहला जो होता है पहला पूरा का पूरा यहां तक नीचे तक वो क्या होता है अल्पप्राण फिर ये महाप्राण ठीक उसके बाद ये अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण इस तरीके से आप बोल करके देखो क ख गा जिसमें तो ज्यादा वायु यूज होगी तो इसमें देखो जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे अल्प प्राण अल्प प्राण यहां लिख देता हूं मैं महा प्राण तो पहला पहला क ख ग दूसरा ये तीसरा है पहला तीसरा और पांचवा ये क्या है ये आपके अल्प प्राण है महाप्राण क ख ग, ग, दूसरा और चौथा दूसरा और चौथा ये क्या है वर्ग ये सभी वर्ण आपके क्या हैं महाप्राण हैं इसी के साथ साथ अल्प्राण महाप्राण में वर्ण जितने भी होंगे वर्ण जितने भी होंगे वर्ण यानी दूसरे और चौथे जो वर्ण होंगे वो महाप्राण में आएंगे उसी के साथ साथ व्यंजन जो होंगे वो महाप्राण में आएंगे ऊष्म व्यंजन उष्म व्यंजन स्वर सारे के सारे अल्प प्राण में आएंगे स्वर ठीक है और स्वर के साथ साथ स्वर के साथ अंतस्थ व्यंजन भी अंतस्थ व्यंजन भी आपके किस आएंगे, अल प्राण में आएंगे या रा बात समझ में आ गई तो इतनी सी इतनी सी थी आज की कहानी और इसी कहानी के साथ हम आज का क्लास को एंड करते हैं क्लास कैसी लगी भाई सभी बताएं मुझे अगर अच्छी लगी तो सभी एक बार शेयर कर दें क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नए स्टूडेंट्स हैं और एक प्यारी सी कमेंट देकर के जाएं और शेयर कर दें वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा संख्या में और अगर आप इसको ज़्यादा शेयर करेंगे तो ऐसी ही क्लास मास्टर क्लास में एक चैप्टर की एक क्लास आपके लिए लेकर आता रहूंगा नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारी होगी संधि की तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद वंदे मातरम